हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इंग्लिश लिटरेचर का 3 चैप्टर एक पोएम, मतलब कि बोले तो 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जब सिलेबस आएगा तब इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। विस्तार का एक भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है और फ्लेमिंगो बुक का 3 चैप्टर स्टार्ट हो गया, खत्म हो चुका है। एक पोएम भी खत्म हो गया जिसमें कि लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर एंड माई मदर एट 66, 4 चैप्टर कंप्लीट हैं। बात करें ग्रामर सेक्शन का, तो क्लास 12 में ग्रामर में कुछ नहीं पढ़ना है, केवल राइटिंग सेक्शन में पढ़ना है। जैसे कि लेटर के बाद आर्टिकल पढ़िएगा, रिपोर्ट पढ़िएगा, उसके बाद पढ़िएगा लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट और लेटर फॉर जॉब अप्लीकेशन देता है कि नहीं देता, तो सिलेबस आएगा तब पता चलेगा। उसके बाद समरी राइटिंग, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, तो उसको बता दिया गया। मतलब जो जो है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लेटर तो कभी हटाएगा नहीं, ये तो कभी नहीं हटाएगा। नोटिस राइटिंग एक आ गया, तो ये सब कभी नहीं हटाएगा, तो ये सब हम लोग पहले से पढ़ लेंगे, सिलेबस आने से पहले ही पढ़ लेते हैं। सिलेबस आएगा तो जो जो लिटरेचर में बचेगा तो उसको करेंगे, अभी टाइम है तो इसको कर ले रहे हैं। उसके बाद क्योंकि फिजिक्स भी देखना है, सॉरी इंग्लिश भी है, इकोनॉमिक्स भी है थोड़ा सा, तो टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अभी देख लेते हैं। देखिए, एक लेटर मैं बुक का दूंगा इसको, एक मैं अपना खुद का नोट दूंगा, जो खुद से मैं लिखा हूँ, खुद से पढ़ाऊँ, आप लोग को बताया था टर्म 2 में जो, तो वैसा दोनों में से आपको जो अच्छा लगेगा उसको एक कॉपी में लिख लीजिएगा और माइंड में बैठा लीजिएगा फॉर्मेट वगैरह, क्योंकि टर्म 1 में फॉर्मेट वगैरह ही देगा, टर्म 1 में आपको लिखने के लिए तो देगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आखिर लेटर होते क्या है। क्लास 10th में पढ़े लेटर तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी देख लीजिए क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करना होगा अच्छे से। चलिए, 2 मिनट टाइम वेस्ट हुआ। लेटर क्या होता है? लेटर इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। कैसा फॉर्म है? कम्युनिकेशन में बातचीत, संचार करने का, लेकिन यह लिखा हुआ रहता है। इसमें हम लोग कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं लेटर के मदद से। एंड लेटर आर 2 टाइप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। हम लोग भी जानते हैं कि लेटर 2 प्रकार का होता है, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर ही हमेशा पूछता है, उसमें से लेटर टू एडिटर हमेशा पूछा जाता है फॉर्मल। और इनफॉर्मल आपको रिलेटिव्स को जो लिखते हैं ना, मम्मी को, दादाजी को, पापा को, तो ये सब का अलग होता है, तो वो हमको नहीं पढ़ना है। हमको जो पढ़ना है वही को पढ़ेंगे। इसमें सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता है, थोड़ा सा फॉर्मेट में कमी देखने को मिलता है, बाकी सब सेम रहता है। फॉर्मल लेटर इंक्लूड, तो फॉर्मल लेटर बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एडिटर वाला पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे कि बिजनेस के लिए होता है ऑफिशियल लेटर, मेकिंग इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन, कंप्लेन वगैरह, आस्किंग फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग कैंसिलिंग ऑर्डर, सेंडिंग रिप्लाइज, ये सब वगैरह पढ़ना नहीं है। लेटर टू एडिटर हम लोग को पढ़ना है, गिविंग सजेशन, ओपिनियन, इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट पे जो है आप वो अपना ओपिनियन दीजिए, विचार दीजिए, तो हम लोग को बस यही देखना, यही पढ़ना रहता है। इसके बाद लेटर टू कंसर्न अथॉरिटी रिगार्डिंग सिविल प्रॉब्लम, कोई भी नागरिक को कोई प्रॉब्लम है तो उस अथॉरिटी को हम लोग लेटर लिखते हैं, तो हम लोग अथॉरिटी को नहीं लिखे, हम लोग एडिटर को ही लिख देते हैं कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, समस्या आता है तो हम लोग बस एक ही पढ़ते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर जॉब अगर देगा तो सिलेबस में देगा, नहीं देगा तो इसको बाद में देखेंगे। ठीक, इसको देखेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में देखेंगे, जब सिलेबस में देगा तब, हटा देगा तो नहीं। तो अभी हम लोग का मेन सिलेबस जो है बस सिर्फ और सिर्फ लेटर टू एडिटर। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट देखने से पहले मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लीजिए कि कितना नंबर में कौन देता है, 1 सेकंड, क्योंकि लेटर में आप पूरा नहीं भी लिखेगा, केवल फॉर्मेट वगैरह भी लिख दीजिएगा ना तो नंबर मिल जाता है। तो देख लीजिए क्या क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कैसे कैसे नंबर का बंटवारा होता है मार्क्स का। फॉर्मेट में अगर आप सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, डिजाइनेशन पद के साथ, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कम्प्लीमेंट्री, क्लोजर जो लास्ट में लिखते हैं, तो वे सब अगर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है। प्रत्येक स्टेप में 1-1 नंबर मिलता है। कंटेंट में आपको 3 नंबर मिलता है, जो बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी, सेकंड में मेन आइडिया और लास्ट में कंक्लूजन, तो तीनों में 1-1 नंबर मिलता है। उसके बाद एक्सप्रेशन कैसे करिएगा, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग सब सही होना चाहिए, तो इसमें भी आपको 1 नंबर मिलता है, गलत है तो 1 नंबर काट लेगा। ठीक है, तो 3, 1, 4, 1, 5 नंबर हो गया। कोहेरेंट एंड रिलेवेंस आइडिया, एक कोहेरेंट मैंने सुगंधित या एकदम कोहेरेंट कहने का मतलब जो क्लियर दिखाई दे, और रिलेवेंट आइडिया, आइडिया भी एकदम रिलेवेंस हो, मैंने कि जो करंट में जो हम लोग को क्या बोलते हैं इसका एक्यूरेट हिंदी थोड़ा सा रुक के बताते हैं, तो इसका एक्यूरेट हिंदी होता है सुसंगत। कोहेरेंट का मतलब सुसंगत, और रिलेवेंस मैंने उससे मिलता जुलता आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेटर कुछ और बोल रहा है हम लोग लिख कुछ और रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, नो मार्क्स अवार्डेड इफ ओनली फॉर्मेट इज गिवन, केवल आप फॉर्मेट लिख दीजिएगा ना तो केवल नंबर आपको नहीं मिलेगा, आपको सारा लिखना होगा।
ठीक है, कोई अवार्डेड आपको अलग से नंबर नहीं मिलेगा, नो मार्क्स अवार्डेड इफ ओनली फॉर्मेट इज गिवेन, केवल आप फॉर्मेट दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, सारा लिखना होगा। होता ना है कि बॉडी नहीं लिखे केवल फॉर्मेट लिख दिए भैया, तो ऐसा नहीं होगा, बॉडी में आपको लिखना होगा गलत या सही, उसके बाद ही सारा नंबर मिलते हैं। चलिए रिमेंबर टू पॉइंट, कुछ पॉइंट को रिमेंबर रखिए, नहीं भी रखिएगा तो मैं लास्ट में बताऊंगा लेटर, तो वहाँ पर हो जाएगा रिकॉल। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं पीडीएफ को जब देख रहे हैं, तो नो मार्क्स अवार्डेड हो गया। पॉइंट टू रिमेंबर, स्टार्ट ईच न्यू लाइंस फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, एक लेफ्ट में मार्जिन रहता है तो यहीं से आपको हर एक लाइन को स्टार्ट करना होगा, एकदम एक क्या बोलते हैं एक लेंथ में, सब एक लेंथ या लाइन में होना चाहिए, तो वही यहाँ पर बोल रहा है। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ राइटिंग लेटर, सीक्वेंस ऑफ, पहले आपको सेंडर एड्रेस यानी कि जो आप खुद है वो सेंड भेजने वाले का एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस जो लेटर को प्राप्त कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर बॉडी होता है, छूट गया, यहाँ पर बॉडी होता है क्योंकि बॉडी हम लोग लेटर टू एडिटर में देते हैं ना, तो यहाँ पर बॉडी छूट गया, यहाँ पर ओवरऑल देखा गया है तो बॉडी को इग्नोर कर दिया। बॉडी होता है, सैल्यूटेशन में सर या मैडम लिखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कंटेंट टू देयर लेटर यानी कि जिसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी लिखना होगा, बॉडी को तीन या चार पारा में लिखना रहता है, पारा वन में इंट्रोडक्टरी, पारा टू या थ्री में आप मेन आइडिया को लिख सकते हैं, दो पारा में, पारा फोर में कंप्लीमेंट्री क्लोजर, लास्ट में अपना जो भी हम लोग लिखते हैं ना, तो लास्ट में कंक्लूजरी या कंप्लीमेंट्री क्लोजर थैंक्स वगैरह लिख के तो भी लिख सकते हैं। एक दिखाते हैं लेटर, अभी समझ में नहीं आएगा। टू द प्रिंसिपल कंप्लीमेंट्री क्लोजर योर्स लवली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, जो लिखा जाता है तो ऐसा होता है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा, पारा फोर हो गया, चलिए प्रिंसिपल योर सिंसियर लिखेंगे, ओबीडियंट बना आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर एम्प्लॉयमेंट है एडिटर है तो उनको सिंसियरली लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई डीलर को लिखना है, बिजनेस को लिखना है तो योर ट्रूली, ये सबसे हम लोग काम नहीं, हम लोग को बस सिर्फ ये काम है जो कि लेटर टू एडिटर कहाँ के, बस हम लोग को इसी का काम है तो बस इसी को देखेंगे। इसके बाद कोहेरेंट एंड ऑर्गेनाइज आइडिया होना चाहिए, तो जान के थिंक एंड एनालाइज द सब्जेक्ट टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट टॉपिक उसको थोड़ा सा सोचिए, एनालाइज करिए क्या टॉपिक है, उसके बाद लिखिए। एंड रिकॉल द ऑल आइडिया एंड पुट देम ऑन ए रफ सीट, सारे आइडिया को माइंड में रिकॉल करिए, एक रफ सीट में लिखिए हम क्या क्या आइडिया उसमें डालना है, क्या क्या लिखना है, थोड़ा सा नॉर्मल वैसे कोई करता नहीं लेकिन थोड़ा सा सोचकर। चलिए ऑर्गेनाइज आइडिया, सारे आइडिया को ऑर्गेनाइज करना होता है। विल डीलिंग विद द सोशल और सिविल प्रॉब्लम लेटर टू एडिटर, अगर लेटर टू एडिटर में आप सोशल, सामाजिक और सिविल कोई नागरिक का प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो एलवेज प्रोवाइड सजेशन टू कर्ब और कंट्रोल इट, तो आपको उसके लिए सजेशन भी देना होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं या कैसे इस प्रॉब्लम पे हम लोग क्या बोलते हैं कि विजय प्राप्त कर सकते हैं एक तरह से कहिए, तो आपको सजेशन वहाँ पर लिख कर देना होगा, ठीक। चलिए लेटर टू द एडिटर, हम लोग को यही पढ़ना है, बस यहीं से आपको माइंड में दिमाग में बैठा के सब कुछ रखना होगा, क्या क्या होता है थोड़ा सा दिमाग में देखिए, याद क्या करना, कुछ नहीं याद करना, बस केवल समझ में बताऊंगा याद किसको करना है, लास्ट में बताऊंगा उसको, ठीक है। चलिए पॉइंट टू रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ए कंसर्न अथॉरिटी जनरल पब्लिक टुवार्ड्स द प्रॉब्लम नोट टू द एडिटर, कहने का मतलब रुकिए एक सेकेंड, इसको हटा देते ना थोड़ा सा, अब ठीक हो गया। कह रहा है कि साहब को ड्रा द अटेंशन टू आर्ड द कंसर्न, ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी और जनरल पब्लिक टू आर्ड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के मतलब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के प्रति कंसर्न अथॉरिटी, जो अथॉरिटी सामने है उसका ध्यान और जनरल पब्लिक का ध्यान करना है, नोट द एडिटर, एडिटर का ध्यान नहीं करना, जो भी प्रॉब्लम है, मान ली प्रॉब्लम है किसे अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट पर ध्यान आकर्षित करवाना है लोगों को, और साथ ही साथ जो कंसर्न अथॉरिटी है जो अनएम्प्लॉयमेंट पे कंट्रोल करते हैं उनको किधर इस प्रॉब्लम के प्रति दिखाना है, आपको एडिटर को नहीं कहना है कि आपका ध्यान में इधर आकर्षित करता है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी टू टेक द एक्शन नोट टू द एडिटर, आपको कंसर्न अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करना होगा कि आप एक कोई कार्य करिए, आप कुछ काम करिए कि जिसका सोल्यूशन मिल सके, नोट टू द एडिटर, आपको एडिटर को नहीं कहना होगा कि आप कुछ करिए, ठीक ना, एडिटर के जरिए हम लोग कंसर्न अथॉरिटी के पास अपना आइडिया को विचार को रखते हैं। राइज द इशू बाय द सीटिंग, सीटिंग सम लेटेस्ट न्यूज इशू सर्वे रिपोर्ट या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको कोई इशू को राइज करना है बाय सीटिंग सम लेटेस्ट न्यूज, कोई लेटेस्ट न्यूज को ध्यान में रखते हुए या फिर कोई सर्वे रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपने आइडिया को फिर राइज द इशू में, कोई मुद्दा है तो उसको उठाना होगा, ठीक है ना, सीटिंग द सम लेटेस्ट न्यूज, कुछ मतलब कि अभी का कोई घटना घट रहा है तो उसके संदर्भ में कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए कुछ करके, ठीक। उसके बाद एनालाइज द इशू इन द टर्म ऑफ काउजेज एंड कंसिक्वेंसेस, कोई भी मुद्दा है तो उसको एनालाइज करिए इन टर्म ऑफ इट्स काउजेज, उसका कारण क्या है और उसका परिणाम क्या होगा, कोई भी मुद्दा है
चलिए मान ली कि रोड पे क्या होता है कि शहर में देखते हैं कि जो मवेशी रहते हैं, मवेशी जो एक्स्ट्रा मवेशी जैसे कि भैंस गाय सब रोड पे आ जाते हैं, तो उनका कारण क्या है, तो उसे एक्सीडेंट होते हैं, उसका कंसिक्वेंसेस उसका कारण है कि से कोई भी एक्स्ट्रा पशु वगैरह रोड पर छोड़ दिया बेमतलब का, तो वो सब कारण हो गया। तो जो भी अथॉरिटी है तो उनको ले जाके मतलब हटाना चाहिए रोड से, उसका कंसिक्वेंस परिणाम क्या, परिणाम होता है किसी एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो क्या क्या कारण है, क्या क्या काउजेज, तो उसको थोड़ा सा लिखना रहता है। उसके बाद सफरिंग ऑफर द सजेशन इन द एंड, और लास्ट में आपको सजेशन भी देना रहता है। तो ये सब ध्यान किसको आकर्षित करवाना है, किसको नहीं करवाना है, ठीक है ना, किससे रिक्वेस्ट करना है, उसके साथ ही साथ कोई एक मुद्दा को उठा सकते हैं जो करंट में है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं, या फिर एनालाइज द टर्म इन द काउजेज और कंसिक्वेंसेज, क्या उसका कारण है और क्या परिणाम होंगे, तो उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, लास्ट में अपना सजेशन देना होगा, लेटर टू एडिटर में इतना बात को ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल एक देखते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देख लेते हैं वीडियो। चलिए 10 मिनट आपको केवल मैं समझाया हूँ, अभी से ही लेटर आपका स्टार्ट हो रहा है। चलिए दिया रहेगा एग्जाम में कि यू आर राकेश, या जो भी होंगे रेखा राकेश, लड़की होगी तो रेखा, सॉरी हाँ और लड़का होगा तो राजेश, ये स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल क्लास 12 का स्टूडेंट है। द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कोप अप विद द लोड ऑफ स्ट्रेस इन द टुडे। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कोप अप, मैंने कोप अप मैंने करेंगे हैंडल करना विद लोड ऑफ स्ट्रेस टुडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट है वह बहुत सारे प्रेशर को हैंडल कर रहा है, स्ट्रेस को हैंडल कर रहा है, एज कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में जी रहा है, तो उसी पर लिखना है कि स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कोप, मैंने उसको हैंडल करना है विद द लोड ऑफ स्ट्रेस, मैंने कैसे जो स्ट्रेस देख रहा है कंपटीशन एग्जाम में जो स्ट्रेस है तो उसको कोप करने का मतलब उसको निपटाना, ख़त्म करना है, जरूरी है, ख़त्म नहीं करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो जो कंपटीशन में उनका स्ट्रेस मिल रहा है उसी स्ट्रेस को ख़त्म करने की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड है, इसी पर आपको लेटर लिखना है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर पर हाईलाइटिंग द इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट द्वारा जो क्या बोलते हैं स्ट्रेस जो मतलब कि जो झेल रहे हैं हम लोग, तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे, और साथ ही साथ उस मुद्दा को हाईलाइट करना है, हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग स्ट्रेस, जो स्ट्रेस दबाव हम पे जो पढ़ रहे हैं फेस बाय द स्टूडेंट, एंड सजेस्टिंग द वे टू मींस इट कॉम्बैट इट, और एक आपको सजेशन भी देना है कि कैसे इसको ख़त्म किया जाएगा। ये लेटर है, कह रहा है कि जो प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए आवश्यकता हो गया है, तो आपको एक लेटर लिखिए जिससे कि इस जो प्रॉब्लम को दिखाया जाए और साथ ही साथ इस पर कैसे मतलब कि हासिल किया जाए, कैसे विजय प्राप्त किया जाए, कैसे इसको हटाया जाए, तो उसको भी सजेशन लास्ट में देना होगा। तो कुछ नहीं करना, पहले बोले थे कि सेंडर एड्रेस, तो आप भेजने वाले हैं तो आप अपना एड्रेस लिखिए, भारतीय पब्लिक स्कूल जहाँ पे जिस स्कूल से हैं उसका आप नाम लिख दीजिए, कॉलेज का नाम लिख दीजिए, कहीं से आप लिख सकते हैं, ठीक। एक सेकंड, लोड ऑफ स्ट्रेस इन टुडे, हाँ चलिए, स्टूडेंट क्या सकता है कि इसको ख़त्म करें, कोप ऑफ कहने का मतलब उसको समापन करें, ख़त्म करें, ठीक है, हैंडल कर रहा कोप का, हम एक्यूरेट हिंदी थोड़ा सा रुके तो देखते हैं कोप ऑफ, एक सेकंड, वही सामना करना, हैंडल करना। चलिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेट, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं उसी तारीख का, उसके बाद लिखेंगे सेंडर एड्रेस, के बाद रिसीवर एड्रेस, जो रिसीवर एड्रेस विथ डिजाइनेशन उनके पद के अनुसार, तो द एडिटर ऐसे लिखना है, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद इनका जो पद है टाइम्स ऑफ इंडिया पद हो गया, और बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली, पिन कोड दे सकते, याद है तो नहीं भी दे सकते, तो तीन फॉर्मेट हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय द स्टूडेंट, आप सब्जेक्ट में ऐसा भी कर सकते हैं एक ही एक वर्ड को आप कैपिटल में लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन को छोड़ के स्ट्रेस को एस बड़ा में लिखिएगा, फेस को एस बड़ा में, और एस को एस बड़ा में, तो हर एक प्रथम वर्ड को आप कैपिटल में लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हाईलाइट किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैडम, या ओनली आप सर भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आपके कॉलम के जरिए योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर जो आपका प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है उसके अनुसार, आपका जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के अनुसार, यानी कि जो हम लिखे कॉलम कहने का मतलब कि जो पेपर में जो कॉलम होता है ना, तो इस कॉलम के अनुसार आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के जरिए, ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द एक्सप्रेशन ऑफ माई व्यू ऑन द प्रॉब्लम इंक्रीजिंग द स्ट्रेस एमोंग स्टूडेंट ड्यू टू हाईली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यू, मैं अपना व्यू को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ ऑन द प्रॉब्लम इंक्रीजिंग स्ट्रेस, जो कि जिस प्रॉब्लम स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है लोगों पर, तो क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं या स्ट्रेस को झेलने में एमोंग द स्टूडेंट, लोगों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, ड्यू टू हाईली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर इन्वायरमेंट,
जो कंपटीशन के अनुसार जो स्ट्रेस लोगों पे तनाव हो रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम जो इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसी पे मैं आपको आपका आइडिया को मतलब इधर आपका ध्यान को आकर्षित कराना चाहता हूँ। इतना लिख सकते हैं, इस लाइन को रट के याद भी कर लीजिए कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू मैं आपका मतलब ध्यान को आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के, ऑन द प्रॉब्लम इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट ड्यू टू हाईली कॉम्पिटेटिव। इतना आप मतलब कि इस वर्ड को याद कर सकते हैं, या लास्ट में खुद लिख के बताऊंगा, जब लास्ट में खुद लिखा हूँ उसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान रहता है। ठीक, तो बॉडी में क्या लिखना ही था, तो बॉडी में क्या लिखेंगे, तो बॉडी में सिमिलरली लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। बॉडी आप अपना खुद से जिसको जो अच्छा लगता है अपना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर इसी में कटने का चांस रहता है, जिसका ग्रामेटिकल वगैरह थोड़ा अच्छा है तो नंबर अच्छा आता है, जिसका कम है तो उसको थोड़ा सा कम आता है, बाकी फॉरमेट नंबर कहीं नहीं कटता है। ठीक, टुडे द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कंपटीशन, आज पूरा वर्ल्ड कंपटीशन से भरा हुआ है। एवरी नाउ एंड देन ए चाइल्ड इज एसेस ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स, आज के मतलब कि क्या है, एवरी नाउ एंड देन ए चाइल्ड इज एसेस ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। एवरी नाउ कहने का मतलब प्रत्येक, आज एंड पहले का जो बच्चा था सबको एसेस किया जाता है डिफरेंट पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स में सभी का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे को किसी को कि तुम खेल में इतना पीछे हो, तुम पढ़ने में आगे हो, तुम मैथ में पीछे हो, तो ऐसे करके उन पर असेसमेंट किया जाता है। पेरेंट्स एक्सेप्ट ए लोड फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, और पेरेंट्स भी काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं अपने बच्चे से। दे वांट देयर चिल्ड्रन एक्सेल इन द ऑल फील्ड, वे चाहते हैं कि हमारा बच्चा सभी फील्ड में क्या हो, एक्सेल, एकदम उज्ज्वल हो। ठीक है, एंड सच है स्टडी में भी आगे हो, स्पोर्ट में भी आगे हो, और एंड को सर्कुलर एक्टिविटी, जो भी छोटा मोटा एक्टिविटी सब चीज़ में आगे हो, एक्सेल हो, यानी कि उज्ज्वल हो, प्रथम श्रेणी प्राप्त करो, ऐसा मतलब पेरेंट्स भी चाहते हैं। एवरी वन वांट्स देयर पेरेंट्स हैज़ टू बी अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, एवरी वन वांट्स, मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं सभी यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने। थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। द रिजल्ट इज़ दैट, इसका परिणाम क्या होता है, द चिल्ड्रन आर अनड्यूली स्ट्रेस एंड बर्डनेड, इसका परिणाम यह होता है कि जो बच्चे हैं अनड्यूली स्ट्रेस, पूरी तरीके से स्ट्रेस में चले जाते हैं, और साथ ही साथ बर्डन, बोझ भी, बोझ के तले भी दब जाते हैं। ठीक है, ऑल द डे लॉन्ग दे आर इन क्या है, इंडल्गेड इन द क्या है, कंप्लीटिंग देयर होमवर्क्स एंड स्टडी, पूरा दिन इनका सारा दिन कहाँ चला जाता है, इंडल्गेड इन कंप्लीटिंग देयर होमवर्क्स, अपने काम को कंप्लीट करने में सारा दिन इनका खपत हो जाता है, इंडल हो जाता है। ठीक है, नो टाइम इज लेफ्ट फॉर देयर गेम्स या स्पोर्ट्स, गेम्स के लिए स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं है, सारा होमवर्क में इन लोग का टाइम चला जाता है, इतना स्ट्रेस मिल जाता है, इन लोग कुछ नहीं कर पाता है। इट इज़ हाई टाइम, यही एक हाई समय इभी लाइन को आप दोहरा सकते हैं या फिर रट के याद कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम, यही एक हाई समय है, वी शुड पोंडर ऑन दिस प्रॉब्लम, हमें इस प्रॉब्लम पर विचार करना चाहिए। ठीक है, अ स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन गेम्स, स्टूडेंट को गेम्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, स्पोर्ट्स एंड योगा टू कम्बेंट स्ट्रेस, योगा वो स्ट्रेस करेंगे तो हमको स्ट्रेस को खत्म करेगा, योगा एंड स्पोर्ट। ठीक है, पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज देयर चिल्ड्रंस, अब पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, फॉर परफॉर्मिंग एक्सेलेंसी इन स्टडी, क्या स्टडी में पूरा एक्सेलेंस हो, पूरा उज्ज्वल हो एकदम, तो वैसा कुछ नहीं करना चाहिए बच्चों को। एंड मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस फॉर कीपिंग स्ट्रेस ए बे, मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस, मैंने मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस फॉर कीपिंग स्ट्रेस एट बे, तो मेडिटेशन का प्रैक्टिस तभी किया जा सकता है जब ये सब स्ट्रेस को हम लोग साइड रख सकते हैं, हटा सकते हैं, तभी हम लोग मेडिटेशन में ध्यान लगाएंगे। एक बे वर्ड मीनिंग थोड़ा सा रुक के देखते हैं हमको, देखिए बे ऑफ बंगाल, बे आ गया खाड़ी, बंगाल मतलब बे मैंने खाड़ी होता है, तो मेडिटेशन कैन प्रैक्टिस फॉर कीपिंग द स्ट्रेस एट बे, मैंने इस खाड़ी से बाहर स्ट्रेस को करने के लिए मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे, किसके लिए, कि स्ट्रेस को एट बे मतलब कि इस खाड़ी से बाहर निकले हम लोग, तो यही थोड़ा सा सेंस मिलाइएगा, पढ़िएगा तो समझ में आ ही जाएगा। योर्स ट्रूली, लास्ट में आपको जो कम्प्लीमेंट्री क्लोजर रहता है तो वही लिखना रहता है, तो योर्स ट्रूली लिख दीजिएगा लास्ट में, सिंसियरली भी लिख सकते हैं, राकेश या जो भी सिग्नेचर करना होता है, और क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। ये बुक इज लैंग्वेज, अभी मैं एक लेटर खुद का दिखाता हूँ तब क्लियर सब कुछ हो जाएगा, आपको जो अच्छा लगेगा जो याद रखने को एक याद रखिएगा। एक क्वेश्चन दिया कि यू आर कविता एंड कैलाश, जो भी हैं आपका एड्रेस दिया हुआ है, यमुना बिहार दिल्ली, फाइंड इट डिस्टर्बिंग द डिस्पाइट ऑफ बैन ऑन द यूज ऑफ पॉलीथीन, का मतलब कि बैन डिस्पाइट मैंने क्या किए बावजूद, मैंने बैन लगा उसके बावजूद भी आप डिस्टर्ब हैं किससे, पॉलीथीन से, पॉलीथीन बैग से। इट्स यूज इन रैम्पटली इन सिटी, इसका मतलब यूज लापरवाही से किया जा रहा है शहर में। ठीक है, राइट ए लेटर टू द एडिटर, नेशनल दिल्ली को लिखना है, एक्सप्रेसिंग ए प्रॉब्लम कंसर्निंग अबाउट द एपैथी ऑफ द प्रॉब्लम टुवार्ड्स द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन,
लोगों का क्या क्या एपेथी है, समस्याएं हैं पीपल का टुवर्ड्स एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो खत्म हो रहा है, एंड ऑल्सो सजेस्ट वे टू मोबिलाइज द सिटी डिवेलर, और साथ ही सजेशन करना है कि सिटी डिवेलर को इकट्ठा करो फॉर द काउजेज ऑफ सेफ एनवायरमेंट। काउजेज सेफ एनवायरमेंट मैंने काउजेज मैंने केवल कारण नहीं होता, काउजेज मैंने होता है समाधान, तो या फिर काउजेज मैंने जरिया, तो क्या क्या जरिया हो सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, काउजेज मैंने उपाय भी, तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं एनवायरमेंट को सेफ करने के लिए विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मदद से लोगों को इकट्ठा करिए, लोगों को इकट्ठा करके बताइए कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं फॉर सेफ एनवायरमेंट के लिए। तो इस पर आप लिखना चाहते हैं लिखिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसा कुछ फॉर्मेट वगैरह याद रखना होगा। चलिए तो ये तो बात हो गए बहुत ही डीप में जो कि जैक बोर्ड से काफ़ी परे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग को काम देगा क्या काम देगा भाई, वो भी जो समझ गया वो डीप में वो भी काम देगा, लेकिन ज़्यादा काम यह देगा। एक लेटर है जो आप लोग का सेकंड टर्म आया था, जिसको मैंने लिख के आप लोग को मॉडल सेट में बताया था। लेटर क्या था, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, पर लिखना था गिविंग योर्स व्यू ऑन नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद द टूरिज्म, जिसमें आपको बताना था कि इसे इंग्लिश स्पीकिंग कैसे प्रमोट करें जिससे कि हम लोग कम्युनिकेशन कर सके किसके साथ, टूरिज्म के साथ बातचीत कर सके, ठीक है। चलिए तो इसका फॉर्मेट पहले देख लीजिए, लेटर का जो फॉर्मेट होता है ऐसे बता दिया अगले, इसी को याद रखना होगा क्या था फॉर्मेट। फर्स्ट में आपको सेंडर एड्रेस, ठीक है, जो कि दिख रहा होगा, सेकंड में डेट, थर्ड में रिसीवर एड्रेस, फोर्थ में सब्जेक्ट, फाइव में सैल्यूटेशन, एंड सिक्स में बॉडी, और लास्ट में कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, इसी को याद करना होगा। तो सिमिलरली मैंने फर्स्ट में अपना क्या लिख दिया, सेंडर एड्रेस, सेकंड में डेट जिस दिन लिखा था, और फिर लास्ट में आपका लेटर टू एडिटर उसका अपना एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट में देखिए एक एक वर्ड को हाईलाइट किया है, सब्जेक्ट में एक एक वर्ड को हाईलाइट किया गया, फर्स्ट वर्ड को हाईलाइट किया गया, ठीक है, रिगार्डिंग द नेसेसिटी कंडीशन, और फिर उसके बाद सैल्यूटेशन में डियर सर डियर मैडम जो भी रिस्पेक्टेड करके अपना कर लीजिएगा, ठीक। तो इस वर्ड को, इसी लाइन को, चार लाइन को याद रखना होगा, रट जाना होगा, हर एक लेटर में यूज किया जाता है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट जनरल, वही थ्रू द कॉलम कहने मतलब आपके जो कॉलम, जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर का कॉलम है, उस कॉलम के जरिए। आई वुड, इसका हिंदी एक्यूरेट करिएगा, बहुत सारे हिंदी एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट जनरल या न्यूज़पेपर, तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट जनरल या न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द एबव मेंशन टॉपिक। आपके कॉलम के जरिए, आपके न्यूज़पेपर का कॉलम के जरिए कह सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आपके कॉलम यानी प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, एक्यूरेट हिंदी, प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम आपके, या थ्रू करने मतलब वही, तो आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, जो कि कंसर्न संबंधित जो अधिकारी हैं इनका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, किधर, टुवार्ड्स द एबव मेंशन टॉपिक, जो ऊपर में टॉपिक मेंशन है उसी के मतलब की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। और टॉपिक आप नाम ही लिख सकते हैं, दैट इज नेसेसरी प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर द बेटर कम्युनिकेशन, यहाँ पर टॉपिक भी लिख सकते हैं। बस इस लाइन को याद रखना कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट जनरल आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द एबव मेंशन टॉपिक, इस लाइन को याद रखना होगा कि आपके कॉलम के जरिए प्रसिद्ध न्यूज पेपर, मैंने इस कॉलम में आपके कॉलम जो भी हिंदी करना हो थोड़ा सा करिएगा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट जनरल, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, मैंने आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, अभी हिंदी इसका आ गया, आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए मैं आपका ध्यान को आकर्षित कराना चाहता हूँ, सॉरी आपका ध्यान नहीं, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्नेड अथॉरिटी, मैं कंसर्नेड अथॉरिटी का ध्यान को आकर्षित कराना चाहता हूँ एबव टॉपिक की ओर, ठीक है ना। आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए जो कंसर्नेड अथॉरिटी है उनका ध्यान मैं आकर्षित कराना चाहता हूँ, बस इसको लाइन को रट लेना होगा, दो लाइन को, ठीक है ना। एक्यूरेट हिंदी ही बता दिया कि आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, ठीक है ना, कॉलम स्टार्टिंग में लेकिन लास्ट में आएगा। चलिए इतना तो लिख दीजिएगा, इतना रट लीजिएगा। इसके बाद ये जो है आप खुद से ही मैं तो खुद से लिखा था, खुद से ही लिखने का कोशिश करिए, एक दो लेटर पढ़कर उसके बाद खुद से लिखिए। क्या बोल रहा है, सर टुडे हैज़ बीन नो दैट, जैसे कि आज हम लोग जानते हैं, इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड एवरी कंट्री वांट टू एडॉप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश आज इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुका है और प्रत्येक कंट्री चाहता है कि मैं इसको एडॉप्ट करूं, यानी कि उसको अपना लूं, किसको, इंग्लिश लैंग्वेज को। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द टीनेजर्स और स्कूल, सो इसके लिए बहुत ही नेसेसरी हो जाता है स्कूल, टीनेजर जो है इनके लिए भी और स्कूल के लिए भी, और साथ ही साथ कॉलेज वगैरह स्टूडेंट के लिए, सारे के लिए जरूरी हो जाता है, और स्टूडेंट टू नो इंग्लिश, कॉलेज स्टूडेंट टू नो इंग्लिश स्पीकिंग,
सारे को आवश्यकता हो जाता है कि सभी को इंग्लिश बोलें। फ्रॉम दिस अचीवमेंट, इस जो प्राप्त कर लें हम लोग सभी को इंग्लिश बोलने लगेंगे तो वी आर कैपेबल ऑफ सोल्व द प्रॉब्लम रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद टूरिज्म। तो वी आर कैपेबल, हम लोग योग्य हो जाएंगे, किसके योग्य, टू सोल्व द प्रॉब्लम रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद द टूरिज्म। टूरिज्म के साथ कम्युनिकेशन करने में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो दो लाइन कोई आगे कोई पीछे कोई कैसे भी, जिसको जितना आइडिया होगा उसके अनुसार लिखेगा। इसी पे नंबर एक दो नंबर आगे पीछे होता है, जो अच्छा से लिख दिया उसका फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है। लास्ट है वीडियो, चलिए ठीक है लास्ट है। सर, तो लास्ट में लिख देंगे सर आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, इसको भी दोहरा सकते हैं, इसको भी रट के लास्ट लाइन भी दोहराया जाता है, तो हर एक लेटर में लिख सकते हैं। सो सर काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे विनम्र से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, फॉर पब्लिशिंग माई आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, मेरे आर्टिकल को आप अपने न्यूज़पेपर में जरूर पब्लिश करिएगा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट है। सो ऑल द स्टूडेंट मस्ट मेक इट कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश एंड लर्न, जो लास्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, सो सारे स्टूडेंट इंग्लिश सीख सकें, मस्ट मेक इट मैंने इसको क्या बोलते हैं, एंड कंपल्सरी फॉर द ऑल स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश एंड लर्न इंग्लिश, मतलब कि आप लिखिए ऐसा कि सारे स्टूडेंट इंग्लिश सीखे, कंपलसरी इसको मान लें, मस्ट सीख लें एक तरह से, सारे स्कूल में ऐसा, ऑल द स्कूल मस्ट मेक इट, मैंने सारे स्कूल इसको बनाए, इसको बनाए कहने का मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग को एडॉप्ट करें। तो ये खुद से लिखे थे तो आगे पीछे भी सेंस हो सकता है। लास्ट में योर फेथफुली आशुतोष कुमार, जो भी लिखना होगा अपना अपना नाम लिख सकते हैं। ये बोला रटने का बाद लास्ट का लाइन, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू पब्लिशिंग माई आर्टिकल इन यूर न्यूज़पेपर, रटना क्या तो याद हो गया, ठीक है। इसके बाद एक दो लाइन आगे से, इसमें तो कुछ रटना है नहीं थी, इसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं अपने अनुसार, जितना पढ़े उसके अनुसार। इसको रटना है तो बता ही दिए कि थ्रू द कॉलम फिर योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टू आर द एबव मेंशन टॉपिक, समझा भी दिए इसका एक्यूरेट हिंदी सब्जेक्ट वगैरह। इसको याद करना होगा, इसको किसी भी हाल में याद करना होगा। कितना, 7 पॉइंट है याद करना। पहला में सेंडर एड्रेस, दूसरा में डेट, तीसरा में रिसीवर एड्रेस, चौथा में सब्जेक्ट, पांचवा में सैल्यूटेशन, छठा में बॉडी, 3 पार्ट में लिखना है बॉडी को, 3 पार्ट में, इंट्रोडक्टरी पार्ट पहला होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद कंक्लूजरी पार्ट, उसके बाद 7th नंबर पर कंप्लीमेंट्री क्लोजर। तो मैं इतना डिटेल में लेटर को बता दिया, तो आपको जब सेकंड टर्म में लेटर सब्जेक्टिव में आएंगे तो मैं दोबारा लेटर नहीं बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा लेटर एक ही बार में कंप्लीट हो गया है। तो बस आपको बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही, बस इतना ही, जो नीचे डाउनलोड देख रहे हैं ना, जो नीचे डाउनलोड में देखें बस इतना ही को कर लेना है नीचे। ये तो बस समझने के लिए, डिटेल में समझना चाहते हैं तो समझिए, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, एक लेटर से बता दिया था, ठीक है ना। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। एक आप सो क्या बोलते हैं, लेटर हो गया। और देखिए फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या अंतर होता है, देखिए कुछ ज़्यादा अंतर होता नहीं। इनफॉर्मल जब मम्मी पापा को लिखिएगा तो उसमें क्या क्या होता है, देखिए उसमें क्या क्या होता है, आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सेंडर एड्रेस नहीं लिखा जाता है, रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है, सेंडर एड्रेस भी नहीं लिखा जाता है, बस डेट वगैरह, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन तो आप दे ही सकते हैं, बॉडी लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट्री क्लोजर भी कोई मायने शायद रखता है, पता नहीं, देवलम को याद नहीं आ रहा। लास्ट में आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, तो जो भी थोड़ा सा देखिएगा फॉर्मल का, एक दो हट जाता है, यानी कि 7 है तो वहाँ पे 5 हो जाते हैं, तो सेंडर एड्रेस भी हट जाता है, ये हट जाता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट 2 हट जाता है, ठीक है, 4th नंबर 1 नंबर हट जाता है, ठीक है। तो आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, जो हम लोग बचपन में जो हिंदी में लिखे होंगे तो उसी टाइप का होता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल 2 होते हैं, तो हम लोग इसी को याद रखें, जो आपको अच्छा लगेगा उसको एक लिख के माइंड में समझ के और फॉर्मेट को माइंड में बैठा लेना है। इसमें फॉर्मेट भी एक कट गया था तो ये तो ओवरऑल दे दिया है ना, इसीलिए इतना मत याद करिएगा, इसको बस समझा दिए समझ लीजिए। बाकी आपको याद क्या करना होगा, याद आपको जो मेरा नोट्स का है तो उसी को याद करिएगा तो बेस्ट रहेगा। ऐसे आप लीडर अगर क्लास 10th से ही पढ़े लिखे हैं या आइडिया है तो उसी को याद रखिएगा, कोई यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं है कि इसी वाले को याद रखिएगा, ठीक है। तो लेटर के बाद अब क्या आगे करेंगे, लेटर के बाद तो लेटर तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद आर्टिकल देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, जो बोलिए ठीक है ना उसके अनुसार। तो लेटर के बाद आर्टिकल ही देख लेंगे, एक दिन रिपोर्ट देख लेंगे, एक दिन नोटिस देख लेंगे, अच्छे लेटर के बाद नोटिस, लेटर के बाद नोटिस, कल नोटिस देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद रिपोर्ट, उसके बाद समरी राइटिंग, उसके बाद देखेंगे जॉब अप्लीकेशन देगा तो देगा, नहीं तो ग्रामर 6 दिन में खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक दो वर्ड नया मिलेंगे तो आप उसको देख कर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा में कुछ है नहीं, ठीक है दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही, कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं वीडियो को 29 मिनट 16 सेकंड या 30 मिनट को करने वाला था, इसलिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 30 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो मैक्सिमम 31 मिनट 28 मिनट वगैरह। तो यही सब बात है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ 9142042534 9142542534, तो बस मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।